हाँ भी पशुधन रहो, वेटनी डॉक्टरों, पशुआंगा डॉक्टरों, सीधी भाषा में डॉक्टरों, एक प्रकार थे भी डॉक्टरी हो जाओगा, छोटा मोटा डॉक्टर तो हो ही जाओगा। पशु जो आपका दूसरा बी पार्ट लगता है, वैसे तो वो बहुत सारे टॉपिक तो ज्योग्राफी में आते हैं, कुछ साइंस के टॉपिक है, और ज्योग्राफी वाले में पहले करवा देता हूँ, साइंस वाले में बाद में करवा दूँ, कोई इतना वो बात नहीं है कि ये करवा नहीं करवाया जा सके, आराम से करवाया जा सकता है। साइंस के तो चैप्टर है, लगभग मिलते जुलते चैप्टर है, तो आराम से पढ़ के आपको आराम से करवा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो बुधवार से आ सकते हैं, ऑनलाइन जो लेना चाहें वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एकदम लो रेट के अंदर है, जिससे आपको जीरो लेवल से सब कुछ समझाया जाए। बी पार्ट का जो सिलेबस लगता है आपका, सिलेबस की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और उसमें पशुओं से संबंधित चीजें हैं, और एक छोटा सा चैप्टर उसमें और दिया है, और वो ज्योग्राफी में भी लगता है, इसलिए मैं पहले वो करवा देता हूं, बाकी बाद में कर लें। एक एक टॉपिक आपको करवा दूंगा, हूं करवा दूं, थारी सोगंजी करवा दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत है को नहीं है। कौन सा कलर, कलर अच्छा दिख रहा है ना ये पता मुझे। अब मान लो कि थे तो छोटा मोटा डॉक्टर, डॉक्टरी हो जाओगा, डॉक्टर ऐसा कह रहे थे भी डॉक्टर सही रहने लाई जाओगा, तो थाने कोई पूछ ही लेके यार बढ़िया माने थार पार कर गाय खरीदनी है, तो था नॉलेज होना चाहिए, बैठा बैठे एक मेलो लागे हो, मेले नु चलिए बैठे, अगले महीने चे मंदर चे मेला आए, बट मेलो है बट जाके खरीद रही, नागोरी बैल लेके आनो है यार, मारी गा रिक्वेस्ट करिए कि शादी नागोरी बैल से ही करूंगी, थे को कहा ठीक है मेलो लागे, बट जा नागौर के अंदर, गोगा जी तेजा जी मेलो भी है, रामदेव जी है, बलदेव जी है, अगरे मेला है बट जा तू। तो एक मेला कितना है राजस्थान में, 250 मेला है, आपको 10 या 11 ही रटने हैं, तो थे को गुरु जी थे इतना ज्ञानी हो गया, 250 11 रटा, और भैया बिल्कुल भैया आएंगे, क्यों आएंगे, वही मेले आपसे पूछे जाएंगे जो पशुपाल पशु विभाग संचालित करता है, जैसे आपको माताओं के मेले पूछे जाते हैं जो पर्यटन विभाग अपने अंडर ले लेता है, वही पूछेगा। पशुपालन विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई, इंपॉर्टेंट चीज है, पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई, सर गठे हुई आपने पशुपालन विभाग की स्थापना है जयपुर में, ओ जका जका मेला आयोजित करवाओगो, जका ही देख रेख में वेगा, बे ही थाने पूछा जाओगा, बाकी थाने कौन पूछा जाओ, 250 मेड़ों से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात बच्चों, आजकल इनका भी क्रेज नहीं रहा है, नए के बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि हम पशुओं पे डिपेंडेंट थे, एक जमाना था जब हमारी आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति पशुओं पे थी, हमें खाने पीने की दूध दही सब पशुओं से मिलता था, खेत जोता तो अपन ऊंट से ही तो बैल से ही तो, आजकल ट्रैक्टर रन घंटी मारनी है घंटा में सुलटा जाए वो, इस वजह से पशुओं की वो इज्जत नहीं रही जो कभी इज्जत थी, क्योंकि आजकल हमें जरूरत नहीं रही इतनी, तो ये भी नए के बराबर है, पहले से बहुत डाउन आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि आज भी मारवाड़ साइड में पशुओं का बहुत क्रेज है, वहां लोग रखते हैं 100 100 गायें रखते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं रखते, 100 गाय किसी के पास है ही नहीं, पूरे तारनहर में 100 गाय को नहीं है, वहां एक व्यक्ति के पास में जी। और पशुओं संबंधित की डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान में, डेयरी विभाग की स्थापना 75 में हुई है, डेयरी विभाग स्थापना 1975, आराम याद रहे जैसे। अब डेयरी एक स्पेशल टॉपिक लगता है, बाप बाद में पटाओ, पुरानी डेयरी, नई डेयरी, बड़ी डेयरी, छोटी डेयरी, बड़ा डेयरी, क्या डेयरी, बे आप बाद में पटा, एक बार हमें मेले में चलेंगे, हम मेले पे ध्यान देंगे। राजस्थान में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में 2010 में बना था, यह भी आप पढ़ सकते हो, राजस्थान राजस्थान पशु चिकित्सा वे वे पशु आराम में बराबर 6 7 महीना मिलेगा, छोटे छोटे एक दो दो तीन तीन दिन और एक टॉपिक बढ़ा तो ही थारो क्लियर हो जाओ, चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, मैं छोटा मोटो डांग रहा हूँ, था डॉक्टर बना दी ना करिए थी। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, बीकानेर, कद हुई स्थापना 2010, अबे जीके टाइप का प्रश्न है देखो एकदम इजी, और राजस्थान का एकमात्र वेटरनी विश्वविद्यालय भी है, वेटरनी इसी से संबंधित है, एलए से जो करते हैं वो जानते हैं, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, मत्स्य प्रशिक्षण, मत्स्य सर थे क्यों लिख रहे हो,
मैं ही खाता लिख रहा हूँ, आप पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, या तो साथ साथ में थे नोट्स बना के लिखता जाओ, या फिर गुरु नोट्स पर जाके और पशुपालन बी पार्ट नाम से अलग फोल्डर बनाया जाएगा जिसमें ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, वहां से उतार लेना जरूर जरूर करके, ठीक है। उदयपुर सर मेला करावा थे, बस दो बात है फिर अपन मेले की ओर चलते। मत्स्य संबंधी सर्वेक्षण आ रो तो उदयपुर गए, मछली आरो जितनी भी बात आने उदयपुर गए दे। पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य खातर बड्डो अभ्यारण्य चाहिए तो बड़ी तालाब उदयपुर, यानी पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य अभ्यारण्य क्या बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ी तालाब उदयपुर, ठीक है याद रहे। जैसी मछली खातर बड्डो, बड्डो बड़े तालाब, पशुपालन रो काम जो को है नहीं, बस सरकार बोली कि डांगरा रो काम थे ही रहा भाई, क्योंकि था नहीं नॉलेज ऐसा जो, तो पशुपालन जो विभाग पशुओं से संबंधित जो भी काम है वो राज्य सूची का विषय है, चाहे डेयरी हो चाहे पशुपालन हो चाहे मत्स्य पालन हो, सब बोले राज्य सूची का विषय, यानी पशुपालन पशु संपदा ही लिख दो, डेयरी डायरी से आ जाएगी, किसका विषय है राज्य सूची का। बोले मुख्यमंत्री जी थे ही टोरो डांगरान, वो थारो ही काम है, प्रत्येक राज्य का राज्य सूची का, तो फिर अंग विकास को काम कौन करेगा, राज्य करो, अब भर्ती कौन काट दिए, राज्य काट दिए, जबकि बीएसएफ की राज्य थोड़ी काट है, तो ये राज्य, ठीक है। राज्य का एकमात्र ओनली फॉर पशु चिकित्सालय, सॉरी पक्षी चिकित्सालय, राज्य एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, छोटे छोटे फिर मैं दूसरे टॉपिक हट गयो, लेकिन अभी आ जाओ कटे जयपुर, मेला तो बहुत सारा था, तीन मिनट में करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट लागे, फिर ज्यादा लागे तो दस लागे, ज्यादा से ज्यादा पंद्रह मिनट लागे अधिकतम। सांगाने के गेट के सामने जोरी बाजार में बैठाइए, कभी जाओ तो देख लीजिए, फिर मत्स्य पालन वगैरह की चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम चर्चा करते हैं मेले में, चलिए सो। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, बस एक ही बात कहूंगा भारतीय, भारत का बड़ा पशु मेला ये भरता है बच्चों सोनपुर बिहार, पशु वह गंडक, गंडक नदी के किनारे सोनपुर बिहार, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। हमें राजस्थान से मतलब है, चलो राजस्थान की ओर चलते। देखो डॉक्टर यो है राजस्थान, पहले तो मैं था शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, अंगिसन कदम कौन से मिलना है बहुत शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, फिर मैं और तरीका खोजूंगा, तरीका तो सारा खोज लूंगा आप, क्योंकि हम समझाना जरूरी है, जीके टाइप है तो हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो वो तो थारी याद रह जाओ मल्लीनाथ जी, क्योंकि बहुत फेमस है मल्लीनाथ जी, कठपड़े मल्लीनाथ जी वर्तमान में बालोतरा गए, पहले बाड़मेर में तो बालोतरा, ठीक। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरते थे, भरते थे क्योंकि नागौर से कट गया सर, पहले कितने भरते थे सर्वाधिक में, तीन ही भरते थे, फिर दो सर्वाधिक भरते थे झालावाड़ में, तो झालावाड़ वाले तो एज ए टीजी पड़े हैं, झालावाड़ से कुछ कटा ही नहीं, कटा तो नागौर से था, डीडवाना कुछ आऊ, तीन अभी तीन, फिर बताऊंगा कि ये जिला दूसरे जिले में चला गया, जैसे मल्लीनाथ जी दूसरे में चला गया, पुराने डाटा मत पढ़ना इससे संबंधित। देखो तीन कौन सा, आपने एक लोक देवता है रामदेव जी, हाँ सर रामदेव जी लोक देवता है, जय हो बाबा रामदेव की, राम सातीर की, रामदेव जी बड़ा ही वीरा, वीरा और बलशाली भी आ, वाह सर क्या बात, तीनों पशु मेले आ गए, रामदेव जी वीर भी हा और बलशाली भी हा, तो एक तो रामदेव पशु मेला, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों पूछो जाया कि रामदेव जी को नाम लेता है दिमाग में जैसलमेर आ सकड़ा है, रामदेव राज जैसलमेर, रामदेव राज जैसलमेर, एक हाथ पर रामदेव जी को मेड़ो बट पर है, लेकिन पशु मेड़ो बट कौन पर है, ध्यान रखनो है, दोबारा सुनो, रामदेव जी पशु मेला जैसलमेर में कौन नहीं भरे, ई वास्ते वो एग्जाम में मेरे बाल ठीक है बताइए तो कमेंट करिए, ई वास्ते पूछे बोथान, रामदेव जी बहुत ही वीरा, यानी वीर तेजा जी पशु मेला, और बहुत ही बलशाली हा यानी बलदेव पशु मेला, पहली ए तीनों ही नागौर मा, फिर तेजाजी बोलिया के देखो रामदेव जी थे तो नागौर में हुई,
मैं दूसरे जिले में चले जाऊं, पर्वत शर्मा आए तो तेजा जी दूसरे जिले में गए, डीडवाना कुचामन। रामदेव जी बोले ठीक है तेजा जी, पर कई दिन थारे भी समझ में को नहीं आया कौन से जिला में। अब किया कि डीडवाना कुचामन में चलिया तो गया, और अब फिर एक नयो जिलो और बना दिया, पहले डीडवाना कुचामन और नयो, अब समस्या आ गई पर्वत सर घटे वो बाद में देखा। एक बार डीडवाना कुचामन ही आप याद रखना, ठीक है। ये तीनों नागौर में भरते थे, जिसमें तेजा जी दूसरी जगह चले गए, पहले नागौर में ही थे, बाकी रामदेव जी बलदेव जी बठी रहे। तो भाई थे रामदेव जी मेड़ो कर दियो, तेजा जी को मेड़ो कर दियो, फिर मार गोगा जी की भी तो करो, क्योंकि तीनों देवता तो मिलता जुलता ही है। जद बोला गोगा जी को एक और भर दिया, घटे बोलियो गोगा बेटी आगे सन भी याद रख सन सॉरी मीनो को सो एक बार समझ लियो लिखियो ना अन समझो एफ दस सी तो है एक नंबर तो सारो पक्को करा का मेरे एक नंबर कंफर्म हो गया। अब एक नंबर तो ले ही आऊंगा 45 में देखो एक बार छोड़ दो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है नोर हनुमानगढ़ ये नहीं बदला है ठीक है कब भरता है बाद में देखिए। तीन सर्वाधिक पहले नागौर में भरते थे फिर झालावाड़ में दो भरते थे दो झालावाड़ में भरे झालावाड़ में कितना भरेगा दो भरेगा कौन सा भरेगा दो देखो अगर मैं बात करूं एक तो भरेगा चंद्रभागा कठे पड़े ए दोनों मेड़ा ही झांदरा पाटन गए अंदर ही भरे चंद्रभागा और भागा गोमती दोनों ही गठे झांदरा पाटन मैन मैन मेड़ा तो आ गया मल्लीनाथ जी तो साइड में ही अपन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में और चर्चा करा भी मैं सिर्फ ट्रिक बता दी रामदेव जी बहुत वीर हा और क्या बलशालिया तीनों एक जगह जगह तेजा जी बोला मैं दूसरे जिले में जाऊं भाई थे रामदेव जी वो जिलो थे ठीक है फिर गोगा जी बोला कि रामदेव जी के नाम को कर दियो मल्लीनाथ जी के नाम को कर दियो तेजा जी के नाम को कर दियो तुम्हारे नाम को भी मेड़ो होना चाहिए तो वो अपा गठबेरियो फिर गोगा मेड़ी दो झालावाड़ में है चंद्रभागा और गोमती बाकी सिर्फ नाम नाम है क्योंकि पुष्कर वाला सीधा पुष्कर मेला कह दो या कार्तिक मेला कह दो एकदम सीधो से दो मेला इली साइड में भरे एक तो महाशिवरात्रि ने भरे तो महाशिवरात्रि मेड़ो ही भर दियो नाम करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला और एक पहली भरिया कर तो बहरोड़ पशु मेला जो वर्तमान में बहरोड़ कोटली कोटपुतली मार को बहरोड़ और एक जसवंत बस मुख्य मेला है गदिया उंगरे वो बात में लिख लिया। अब मैं एक एक डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा देखो अब मैं चलता हूं एक एक डिटेल से फिर कौन से मैं नंबर बांगो ट्रिक और बताऊंगा अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल से सहित आपको बताता हूं समझ में इतनी बात आएगी थारे सर आगे बहुत बढ़िया आई है और बहुत ही अच्छा समझाए थे श्याणा आदमी देखो सबसे पहले हम उसी मेले पे चलेंगे जो सबसे प्राचीन पशु मेला और जिसका नाम है मल्लीनाथ थाना पीडीएम मिल जाएगी न्यू मी न्यू सिंधिया नागरिया थे मल्लीनाथ जी ठीक है राठौड़ वंश से थे कहां भरता है तिलवाड़ा पंचपत्रा बालोतरा वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है पहले बाड़मेर जिले में था लूणी नदी के किनारे है सारी चीज हूं अठे लिखूंगा यानी मल्लीनाथ जी बालोतरा लूणी ये राजस्थान का सबसे पुराना मेला है प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा मल्लीनाथ जी कद भरे जब मैं शुरुआत ही था मल्ली थार पार कर गाय राठी गाय खातर बहुत फेमस है जद हूं थान पहली पोत बताए मल्लीनाथ जी तो पहले महीने में भरे पहलो महीनो मतलब जनवरी कोनी में पहलो क्योंकि मेरा जनवरी फरवरी कोई कौन पूछे चैत में सात पूछे कद भरे को चेत कृष्ण ग्यारस चेतर कृष्ण बाद में बताऊंगा ट्रिक ग्यारस सीधो ग्यारह ही लिख दो थे समझ जाइए लूणी नदी के गठे किनारे चेत कृष्ण लिखे नहीं कृष्ण में क्यों होंगे और रात्रि तो ठंडो क्या है रे तू भैया कोई एक दिन को नहीं टाबरू मेरा जी का पहले चलता लंबे टाइम तक चलता चेत कृष्ण ग्यारस चेत शुक्ल ग्यारस तक कह दिया तो शुक्ल ग्यारस तक कर दो चाहिए चेत कृष्ण ग्यारस टू चेत्र शुक्ल ग्यारस क्योंकि बीटे मेरा लंबे टाइम तक बढ़िया करता एक खाता लूणी नदी के किनारे से पुराना पशु मेला अब तीन वहां चलते हैं ठीक है पहला पशु मेला है बलदेव पशु मेला बलदेव
चाहे तो आप वैसे लिख लो चाहे नक्शा बना के लिख दो, बलदेव पशु मेला, सबके नाम के आ गए थाने पशु मेलो, तो लगा लो ही लगा लो। गठे बड़े मेड़ता सिटी में, जो वर्तमान में कहाँ है, नागौर, ठीक है, मेड़ता सिटी में, मीरा मेड़ता सिटी के, ठीक है। गाया खातरी फेमस है, बियाव मेलो, नागौरी बैल भी आ जाए, गाओगी तो बैल तो आएगा, तो बैला खातर भी फेमस है। चेत, वो भी चेत में ही भरे, चेत शुक्ल एकम पूर्णिमा तक, चेत शुक्ल एकम से पूर्णिमा जी, यहाँ की है, याद रखना पड़ा भाई, आपका एग्जाम स्पेशल ये है तो आपको याद रखना पड़ा, वरना अगर आपका काम चल सकता था, वरना चल सकता था, लेकिन यहां तो आपका एग्जाम स्पेशल है इसी चीज का, गा भेज भेड़ बकरियां हुई थारो एग्जाम है, एग्जाम है था ना, अच्छी याद रखनी ये जी, बहुत टेंशन आ लियो, आराम तैयारी करो, थे चिंता ना करो, जीके जाके मैं करवा दूंगा, और जिसने कोर्स नहीं लिया तो वो कोर्स से आराम से तैयारी करे, सेपरेट बढ़िया टीम आज तक की आई में क्वेश्चन सब चीजें करवाई जाएगी, ये चीज यहाँ भी करवाई जाएगी, वहां भी अलग दो टीचर रखे, वहां भी करवाई जाएगी, सब कुछ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचा, एक ही भर्ती है, तो हमें इसी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं कहाँ, अभी कंटिन्यू चल रहा हूं मैं, दो मेले आपको मैंने यहां बताए झालावाड़ में, एक मेला बताया गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला, जहां से वसुंधरा है वो जगह झालरा पाटन, झालरा पाटन कहां है गोमती सागर पशु मेला, झालरा पाटन, झालरा पाटन कहाँ है, झालावाड़, यहाँ बना है, इसका मतलब ये झालावाड़ है, नक्शा आपके पास, उसमें भी भर सकते हो, नक्शा भरा और रजिस्ट्री चेप दिया, मजा आ जाएगा। मालवी हाड़ोती नस्ल, हाड़ोती का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है, बैसाख सुदी 13 सु लेके ज्येष्ठ सुदी 5 सु तक, यानी बैसाख शुक्ल, कैसे लिखे भाई, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट भी तो लेना है, बैसाख सुदी 13 से ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण पक्ष, वही वीडियो है मेरे बहुत पुराना, ज्योग्राफी को देख लिया, शुक्ल बात किया है, और आप उधर ध्यान में रह जाओ, ठीक है, और ज्येष्ठ बदी यानी कृष्ण पंचमी। अच्छा हो गया तीन मेला, पहली में था रटायड है, अब हो गया, अब चलो आपने गोगा जी कर, यहाँ हो जाएगा शायद, इतने में काम चल जाएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आ जाना चाहिए, ये लो जी गोगा मेडी, मार लो साइड आरो मेड़ो, कलर वही आएगा, कलर दूसरों देखना पड़ेगा नहीं, गोगा मेडी पशु मेला, गोगा मेडी पशु मेला कहाँ है, नोहर, नोहर तहसील कहाँ है, हनुमानगढ़, ठीक है, ऊपरली साइड में बैठे, ठीक, गोगा जी हो चाहे तेजा जी हो, अंगो संपर्क ज्यादा, सापाऊ रिलेशन है, ठीक है, और सांप निकले सावण में, नाग लपेटा खावे आदि आदि रात ने, कद सावण में ज्यादा ही पान लागे, तो भादवा सावण में ही रहते गाय, अंगो मेड़ो भी लंबो चाले, क्योंकि गोगा जी को तो सावण पूर्णिमा लेके, गोगा मेड़ी को चुको है वो लेके भादवा पूर्णिमा तक चाले, यानी श्रावण पूर्णिमा से भादवा पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा टू भाद्रपद पूर्णिमा, मेरा पहली मेरा रिटायर्ड है, अब डिटेल लिखवा रहे हो, सागे सागे नोट्स बनाता जाइयो, सागे सागे लिखता जाइयो और समझता जाइयो मेन मेन चीज, अब चलो आपने तेजा जी महाराज कर, कठे वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला, सर कित पड़े, पहली तो तेजाजी नागौर मां, अब डीडवाना कुछ छापने चला गया, यानी पर्वत सर लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक जिलो और बना दिया नहीं बाद में, तो डीडवाना डीकू शॉर्ट में लिखे, थोड़ा ध्यान रख ली थी, ठीक है, डीडवाना कुछ छापन, तू क्यों आया रे, डीडवाना कुछ छापन, गाया खातरी है नागौरी बैल गाय सब नागौर साइड में, ये मेला अजीत सिंह के समय शुरू हुआ था, अजीत सिंह को सपना आया था और उन्होंने मंदिर बनवाया था, तो अजीत सिंह के समय प्रारंभ हुआ था, जोधपुर का शासक है ना अजीत सिंह, जसवंत सिंह पुत्र, अजीत सिंह समय प्रारंभ हुआ था, ये कौन सा पशु मेला, वीर तेजा जी, और आय की दृष्टि से वही सब बड़ो मेलो है, क्योंकि
बहुत लंबे समय तक चले। तो ये इंपॉर्टेंट बात बनती, सबसे पुराना मल्लिनाथ जी आय की दृष्टि से बड़ा मेला, इनकम बहुत है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चले, पशु है भी ज्यादा नागौर साइड। और भी तेजा जी को संबंध है तो फिर श्रावण पूर्णिमा भादवा मास तक, कब श्रावण पूर्णिमा टू भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। वाह सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अब चलते हैं कंटिन्यू कराने में, श्रावण भादवा सोच भी गई श्रावण। एक जो के नाम भरतपुर का एक शासक था जसवंत, उनके नाम पे भी एक मेला भरता है। कौन सा कलर लिया, वो कलर जसवंत पशु मेला। बोर नाव जी अपना आप का पानी छिड़कता रही हूं। जसवंत पशु मेला, क्योंकि मैं सागे सागे था नोट्स बनवा रही हूँ, पीडीएफ दे दूंगा था, जब टाइम लाग रही है, नहीं तो उसी तो ही करते तो ओ लो ओ मिलो ओ बरे ओ बरे, सागे नोट्स भी बन रहे हैं सागे भी, ताकि पीडीएफ मिल जाए, आपको कम मेहनत करनी पड़े। इसलिए जसवंत पशु मेला, जसवंत शासक थे भरतपुर के, तो ये मेला कब भरेगा, भरतपुर जसवंत सिंह शासक थे उनके नाम पे, और हरियाणी गा वगैरह और इनका यहाँ आश्विन शुक्ल पांचवीं लेगे और चौदस तक, यानी आश्विन शुक्ल पंचमी। शुक्ल पंचमी से चौदस तक, ठीक है सर, याद रह जाए। एक फिर मेला आपका पुष्कर में है, तो उसे पुष्कर मेला कह दो, चाहे कार्तिक मेला कह दो, पुष्कर पशु मेला, पशु मेला। राइटिंग बहुत सुनी लिख रही हूं, थाना पसंद नहीं आवे तो वाह बात नहरी है। अब गठबर है पुष्कर, पुष्कर गठ है अजमेर में, कद कार्तिक भरे, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से माघ कृष्ण दूज तक, यानी कहां बढ़ता है अजमेर, पुष्कर गठ पड़े अजमेर में, कब कार्तिक के अंदर, पूरा लिखोगा क्या, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, अष्टमी टू कार्तिक बाद क्या मां आवे नी, मां कृष्ण दूज, क्या बात है। आगे चले, हाँ सर आगे चलो थे, बताओ करो, एक नंबर तो पक्को करा, और ट्रिक मैं और दोबारा बता दी, अब एक दो मेरा बचे, चिंता ना करो। फिर वापस आ जाओ चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है, कहां, वही झालरा पाटन, वसुंधरा का जो क्षेत्र है, कहां पड़ता है झालावाड़, ठीक है झालरापाटन गठे झालर, ठीक है चंद्रभागा पशु मेला, मालवी नस्ल की गायें बा खातर है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस से माघ कृष्ण पंचमी तक, कब से कब तक है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस, इतना लिखो था पूरा लिखो थे, माघ कृष्ण पंचमी टू माघ कृष्ण पंचमी, ठीक है। अब चलो महाशिवरात्रि कदा भी दिन मेरो भर दो, महाशिवरात्रि अच्छी, महाशिवरात्रि कठा है करौली, महाशिवरात्रि पशु मेला कहां है, करौली, बस कोई ज्यादा इसकी विशेष बात है नहीं, गोवस हरियाणी वगैरह का नजदीक है तो बंग हो जाए, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण, बाकी महाशिवरात्रि को भी सीधा ध्यान रख ले जो फाल्गुन को अंदर आती है, ठीक है। फिर आ जाओ रामदेव पशु मेला, क्योंकि पशु मेला की तारीख अलग है और रामदेव जी पशु मेला अलग जगह पर है, रामदेव पशु मेला ध्यान रखियो, एग्जाम में बहुत पर रामदेव पशु मेला ही पूछो जाओ, रामदेव मानासर या रामदेव जी की स्वयं मूर्ति उत्पन्न हुई थी और इसके बाद में यहाँ मेला वगैरह भरने लगा, जो कहा नागौर गोमंस नागौरी वगैरह बैल बां खातरी है, ये उमेद सिंह के समय वैसे प्रारंभ हुआ था, उमेद सिंह शासक है ना जोधपुर का, यानी इसके परनेता है उमेद सिंह, ठीक है। कोई समस्या है तो बता दिए, चिंता करने जुट गए। माघ शुक्ल एक क्यों कट कदू, माघ शुक्ल एक क्यों
माघ शुक्ल एक क्यों है मेला, लेकिन इतनी बात नहीं कर रही जी पैदी होया करती, लोग ही देखने जाता पशु मेला आजकल देखने को जा। और माघ पूर्णिमा तक 1 महीने लगभग, माघ पूर्णिमा तक रामदेव जी पशु मेला। लास्ट इधर बहरोड़ पशु मेला, बहरोड़ पशु मेला क्यों रहे, कलर चेंज करना ही को नहीं आवा, वो भी सही को नहीं, वो देखा बहरोड़ पशु मेला। बहरोड़ नया जिला बन गया, कोटपुतली बहरोड़ में आ गए आप, कोटपुतली बहरोड़ लियो, क्योंकि कुछ पशु मेला का जिलो बदल गया। पहली एक गद्दियां को भरे लुणियावास में, गद्दों का खचरा खातर विख्यात है बावगढ़ बांध जयपुर के अंदर लुणियावास, लुणियावास पशु वो कलर अच्छो दिख है थे, बता दियो कमेंट करिए। आलो इतना ही पशु मेला, इतना ही रटना है, एक नंबर पक्को हो गयो। अब मैं थाने ट्रिक बता रही हूं दोबारा। सौ पहले पौध नाम के लिखियो सर थे, सौ पहले पौध लिखियो मल्लीनाथ जी, लियो तो और लिख दियो मल्लीनाथ जी भी, मल्ली का अर्थ क्यों है, मल्स यानी ताकतवर, और बलि को मतलब क्यों है, वो भी ताकतवर है। तो दूसरे पशु में लोग थे नाम लिखो बलदेव, ये दो नाम थे सागे लिखती हूँ ठीक है। फिर थे नाम लिखो गोगा जी को, गोगा मेड़ी, और गोगा जी को नाम लिखे तो फिर थे लिखो तेजा जी को, याद कराना ये ट्रिक है, उन दो को लेना है गोगा मेड़ी तेजा जी, गेहूं गोगा मेड़ी, गेहूं एक पशु में लो गोमती वो भी लिख दो, यानी गोमती गोगा मेड़ी और तेजा जी, गोगा जी के सागे तेजा जी को नाम आवे को, चांद किंग ऊपर है शिव जी के ऊपर, तो एक पशु मेलो है चंद्रभागा और एक है शिवरात्रि, और लास्ट मेलो जो है वो रामदेव जी को है। सब पहले पौध मल्लीनाथ जी, ए दोनों मेला चेत में भरे, चेत के अंतर ठीक है। गोगा जी तेजा जी को सब पहले ही बता दियो, सावन भादो है सागे, तो भी याद रहे वो तेजा जी को है भादवे भाद्रपद के अंदर ठीक है, और गोगा जी को है सावण में, गोमती सावण पहले बैसाख, बैसाख सावण भादव कंटिन्यू इतरी को, जसवंत पशु मेलो वो है ही। चंद्रभागा थोड़ो सो कार्तिक के अंदर है, और कार्तिक में एक और भी है कुणसो, कार्तिक और चंद्रभागा, कार्तिक पशु मेला है पुष्कर और चंद्रभागा ए दोनों, और शिवरात्रि फागण के अंदर है रामदेव जी लास्ट टाइम माघ। अब बताइए पशु मेला इतना ही है, इतना ही रट लेना, क्या लागियो थारो बताए ठीक है। ओके थैंक यू, कमेंट करके बता देना।